तो बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह प्रचार करते हुए कर्नाटक में बेलगावी से लेकर बेंगलुरु तक अब चुनाव प्रचार थम गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने खूब जोर लगाया, ढेरों मुद्दों पर आमने सामने हुए। आरक्षण से लेकर संप्रभुता तक के मुद्दे पर दोनों पार्टियों में खूब घमासान हुआ। सभी पार्टियों ने लोगों को लुभाने के लिए ढेरों वादे किए हैं, जिनमें कई फ्री वाले वादे भी शामिल हैं और कई ऐसे वादे भी शामिल हैं जिस पर विवाद भी हुआ। बजरंग दल पर पाबंदी के कांग्रेसी वादे पर बीजेपी ने भगवान हनुमान की भी एंट्री करवा दी। अब बारी जनता के फैसले की है। जी हाँ, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। ये इंटरव्यू अमित शाह का आपने देखा, लेकिन अब आइए आपको बताते हैं 10 मई को अब वोटिंग होनी है और 13 मई को ये साफ हो जाएगा कि लोगों ने किस पर कितना भरोसा किया है। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। श्वेता यादव प्रवक्ता कर्नाटक जेडीएस की तरफ से जुड़ गई हैं। आदिल हसन साहब प्रवक्ता एआईएमआईएम के जुड़ गए हैं। डॉक्टर संदीप शास्त्री राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, कितने आश्वस्त हैं आप, क्योंकि सत्ता में वापसी 40 साल में वहां अब कोई कर नहीं पाया है और 113 का आंकड़ा बीजेपी अपने दम पर कभी छू नहीं पाई है और आपको लग रहा है कि दोनों रिकॉर्ड एक साथ आप तोड़ देंगे? देखिए अंजना जी, आपने कहा कितने आश्वस्त हैं। हर कन्नडिगा प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने जाएगा और आपने कहा यह पहले 38 साल से नहीं हुआ। मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूं, उत्तर प्रदेश में भी 3 दशक से ज्यादा बीत गए थे, कभी कोई भी पार्टी वापस सत्ता में पूर्ण बहुमत से नहीं आई थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बने, जब से उत्तराखंड बना था कभी कोई पार्टी वापस सत्ता में नहीं आई थी। हाँ। लेकिन उत्तराखंड में भी इतिहास रचा गया और 2014 में और 2019 में आप याद करिए, एक दशक बीत गए थे, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई थी, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है और आई। आज मैं एक बड़ा मुद्दा आपके चैनल पे उठाना चाहता हूं। सेल गोल के पहले राहुल गांधी बोले एक और ले ले, और यही कांग्रेस पार्टी की कहानी है। मुझे बड़ा दुख है एक भारतीय होने के नाते कि भारत की संप्रभुता से सोनिया गांधी, जो कि एक सांसद हैं और संविधान की शपथ लेती हैं कि भारत की अक्षुण्णता को, संप्रभुता को मैं चोटिल नहीं होने दूंगी, मैं प्रतिबद्ध हूं। और मैं उन्हीं का एक, देखिए कांग्रेस पार्टी का ट्वीट लाया हूं हाथ में। ये इतना बड़ा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेंट भी करी है। आप मुझे ये बताइए, शपथ तार तार कर दी, संविधान तार तार कर दिया, आप कह रहे हैं कि कर्नाटका की संप्रभुता को हम ठेस नहीं पहुंचने देंगे। क्या ये सवाल नहीं होगा कि भारत की संप्रभुता अलग है, कर्नाटका की संप्रभुता अलग है और इनको चिंता है केवल सत्ता की, सत्ता की जो कुर्सी है उस पर फेविकोल लगाए और बैठ जाए। आज ये बड़ा सवाल है और ये ट्वीट अभी भी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे है, अभी तक डिलीट नहीं हुआ, इसके लिए माफी नहीं मांगी गई। ठीक है, अभय दुबे जी जवाब दीजिए, आप अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को लेकर आए, वो बजरंग बली को लेकर आ गए, अब वो कह रहे हैं कि सोनिया जी के इस ट्वीट को लेकर आप साफ कीजिए। क्या आप कर्नाटक को भारत का हिस्सा नहीं मानते, उसे एक अलग, क्या कहना क्या चाह रहे हैं, उसकी सॉवरेनिटी की बात कैसे की जा सकती है? सार्वभौमिकता का अर्थ आपको तो पढ़ा होगा, आप तो विद्वान आदमी है। अंजना जी, मैं चुनौती देता हूं पूरे शो के दौरान सोनिया जी के भाषण का कि वो वीडियो चलाकर दिखाइएगा। तो ट्वीट डिलीट कीजिए ना सर, भारतीय जनता पार्टी को हमारे पास नहीं है। अब सुनिए ना, ट्वीट डिलीट क्यों नहीं कर रही? हाँ, तो वही कह रहा हूं मैं, चलाइए ना। अमित शाह साहब भी नहीं कह पाए। देखिए तिलका ताल बना रहे हैं, रस्सी को। अभय जी, अगर गलत ट्वीट हुआ है तो गलती मान लीजिए, ट्वीट हटवा दीजिए, ट्वीट क्यों नहीं हटा रहे? गलती क्या है कर्नाटका में, मैं बताता हूं इनकी क्यों ये बात कर रहे हैं। देखिए तिलका ताल बना रहे हैं, रस्सी को कहते साफ, इनका भांडा फूट गया। अब सुनिए इनके पाप क्यों कह रहे हैं ये। कर्नाटका के लोगों ने कहा प्रधानमंत्री जी भीषणतम भ्रष्टाचार है, इन्होंने कहा हिजाब। कर्नाटका के लोगों ने कहा कि बेरोजगारी से हम जार जार हो रहे हैं, इन्होंने कहा लव जिहाद। कर्नाटका के लोगों ने कहा कि महंगाई से त्राहिमाम हो रहा है, प्रधानमंत्री जी अमित शाह साहब, इन्होंने कहा एनआरसी। कर्नाटका के लोगों ने कहा विकास पर बोलिए प्रधानमंत्री जी, ये कहते हैं यूसीसी। पूरा करने दीजिए, भीषणतम भ्रष्टाचार में अभी
अभी आपने ईश्वरप्पा का जिक्र किया, मुझे उम्मीद थी कि अंजना जी पूछेंगी कि क्यों प्रधानमंत्री जी ने संतोष पाटिल के परिवार से बात नहीं की। एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हिंदू वाहिनी का कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते लिखते उसने आत्महत्या कर ली कि प्रधानमंत्री जी ये ईश्वरप्पा 40% का कमीशन मुझसे मांगता है। सद्भावना प्रकट की देश के प्रधानमंत्री जी ने तो ईश्वरप्पा से कि ईश्वरप्पा चुनाव मुझे जिता देना। वो केम्पन्ना 80 साल का बुजुर्ग जो ठेकेदार एसोसिएशन का सवाल का जवाब छोड़ के पूरी कहानी लिखते हैं। बोलते आप अच्छा है, पूरे बोलते आप अच्छा है, लेकिन इस तरह की बातें सर इशू पे तो आइए सर। अभय जी इशू पे तो बात कीजिए। अंजना जी आप क्या ये ट्वीट डिलीट हो गया है? क्योंकि मैं खोज रही हूँ ट्वीट को, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ट्वीट डिलीट कर दिया है? वहीं से तो पूरा बवाल हुआ था ना सर, बता दीजिए ना। बस मैं चुनौती देता हूं। देखिए, जिस सोनिया गांधी जी ने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपनी सास का शत विक्षत गोलियों से छलनी शव हाथ में देखा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है। भारत की एकता, अखंडता और अस्मिता के लिए जिसके पति ने अपने प्राणों को देश पर आहूत कर दिया, उस पर आरोप लगाती है। भारत की संप्रभुता को चीन चुनौती दे रहा है, जिसको प्रधानमंत्री जी क्लीन चिट दे चुके हैं कि ना वहां कोई आया है ना घुसा है। इनका सांसद कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी अरुणाचल प्रदेश में चीन अंदर तक घुस गया, 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा है, हमारी संप्रभुता को चुनौती दे रहा है। ना कि सिर्फ सरहद की हदें पार की, व्यापार भी तबाह कर दिया। 6 तारीख रात 9:46 रात में ट्वीट जस का तस पड़ा हुआ है सर। मैंने खोज लिया, चेक भी कर लिया, क्रॉस चेक भी कर लिया। ये तो बहुत बड़ी बात है ना, इसको डिलीट कर देने में, गलती मान लेने में क्या दिक्कत है? डीके शिव कुमार जी से भी मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि इट इज अ मिस्टेक, कांग्रेस विल आंसर अबाउट इट, इसीलिए आपसे पूछ रही हूं। नहीं, मैं गंभीर प्रश्न है। देखिए, कर्नाटका के साथ क्या धोखा कर रहे हैं? एक बार भी आपके इंटरव्यू में अमित शाह साहब ने बोला कि लॉ कमीशन ने यूसीसी के मोदी सरकार के लॉ कमीशन, 16 जून 2016 को इन्होंने उनको मैंडेट दिया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, 2018 में उसने मना कर दिया कि हम नहीं लेकर आने वाले। 2 साल तक नए लॉ कमीशन का अध्यक्ष इन्होंने नहीं बनाया। अमित शाह साहब ने लोकसभा में कहा है जून 2021 में कि एनआरसी राष्ट्रीय स्तर पर हम नहीं लाने वाले, सिर्फ ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चाहते हैं। इनके पास कुछ है ही नहीं कर्नाटका में। एक कृष्णा नाम का डार्क नेट इंटरव्यू सॉवरेनिटी वर्ड में क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है? छोड़िए, सॉवरेनिटी वर्ड से क्या, सॉवरेनिटी लिखने पर अगर कोई अटैक कर रहा है तो इसमें क्या ध्रुवीकरण है? मैं तो चुनौती देता हूं ना, बता दीजिए वीडियो। मैं आज तक को भी कहता हूं ये 40 मिनट का शो है। अंजना जैसी मूर्धन्य पत्रकार, देश की सर्वश्रेष्ठ पत्रकार, भारतीय जनता पार्टी, अभय जी, मैंने आपको शुरू में ही कह दिया, अभय जी डू नॉट क्रॉस द लाइन। मैंने शुरू में ही आपको कह दिया कि ये वीडियो नहीं है। अगर ये ट्वीट गलत है तो इसको डिलीट करा दीजिए और कह दीजिए गलत ट्वीट हो गया। मैंने जब शुरू में ही कह दिया, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये सब ड्रामा नहीं कीजिए ना सर, ड्रामा मत कीजिए प्लीज। नहीं, ये ड्रामा नहीं है, वीडियो मैंने शुरू में ही कह दिया। जी नहीं कहता, जब मैंने शुरू में ही कह दिया नहीं है वीडियो, मैं तो ट्वीट में पूछ रही हूँ आपसे। तो बेकार सोनिया जी ने कहा, फिर ये आरोप सोनिया जी पर कैसे लगा दिया बताइए मुझे? जब सोनिया जी का वीडियो नहीं है तो ये आरोप सोनिया जी पर कैसे लगाया? मैं उसको ड्रामेबाजी कह ही नहीं रहा हूं जो आपने अमित शाह साहब से नहीं पूछा कि उन्होंने कर्नाटका की रैली में कहा अपने नेता को कि भीड़ ही नहीं है, सिर्फ मोटरसाइकिल दिखती। अमित शाह साहब, 5 वर्ष तक भीषणतम भ्रष्टाचार में डुबा दिया कर्नाटका को आपने। आपका एमपी नागराज, एक मंत्री कह रहा है 70 और 80 लाख रुपए में पोस्टिंग हो रही टीवी के आकर। गौरव भाटिया जी, पूरे शो में आपने इंटरप्ट किया, एंटी इनकम्बेंसी भ्रष्टाचार से क्या बीजेपी को लगता है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा कहीं पर मुख्यमंत्री पर, नेताओं पर स्टिक कर गया है? इसीलिए आप तमाम अन्य इश्यूज को इतना बड़ा बना रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि सिर्फ परफॉर्मेंस पर वापसी करना मुश्किल होगा। सीधा प्रश्न अंजना जी, सीधा उत्तर दूंगा। आपने 7 या 8 रीटेक लिए, बार बार बोला अभय दुबे जी ये ट्विटर हैंडल कांग्रेस पार्टी का है ना, गौरव भाटिया वेरिफाइड है ना, उत्तर मिला कुछ नहीं। शांत कराइए, बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं सॉरी बीच में नहीं बोलेंगे, शांत कराइए इनको। जवाब सुनिए, आपने भी बोला बीच में पूरे मेरे बोलने पर आपने बोला, इस बात का जवाब दीजिए कि संतोष पाटिल की सुध क्यों नहीं ली प्रधानमंत्री जी ने,
उस भ्रष्टाचारी जिस पर आरोप लगे जी, आप कहेंगे मैं बोल लूंगा अगर आपको वर्सेस ऐसे ही कराना उस केम्पन्ना 80 साल के बुजुर्ग को ठेकेदार को जेल में क्यों ठूस दिया जो कह रहा था कि 40 अंजना जी गलत बात है। सारे दर्शक देखिए क्या हो रहा है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक घंटे आप ही बोल लीजिए आजा भाई जी। एक तो ये इलेक्शन के एंड पहले डिबेट करना मुश्किल हो जाता है, सब एक दूसरे की जान लेते हैं। एक बार गौरव जी का जवाब आपने आपने एक लाइन कह ली ना भाई, एक लाइन बोल के वो भी चुप हो गए थे। प्लीज दुबे जी, जी गौरव जी बात पूरी कीजिए, मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना है। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए अंजना जी मैं दो बातें कहूंगा। सबसे पहले ये ट्विटर हैंडल जो है कांग्रेस का है, वेरीफाइड है, 94 लाख फॉलोअर्स है। इस पे क्या लिखा है, इस पे लिखा है सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी सेंड्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू 6.5 करोड़ कन्नडिगाज, और नीचे कर्नाटका की संप्रभुता की बात कर रही है। वक्तव्य ट्विटर के माध्यम से भी दिया जा सकता है, भाषण की बात अभी छोड़िए। ये ट्विटर का वेरिफाइड अकाउंट है कांग्रेस पार्टी का, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी में पत्ता नहीं हिलता है गांधी परिवार से पूछे बिना, वहां पे सोनिया गांधी के नाम से एक मैसेज आ गया है जो कि दो दिन से इसको डिलीट नहीं किया गया है, और अभी जब ये चर्चा चल रही है तो भी वो वहां है। और ये क्यों है मैं बताता हूं। राहुल गांधी विदेशी धरती पर कैम्ब्रिज गए थे, आपको याद है उन्होंने क्या कहा था, लोकतंत्र भारत का खत्म हो चुका है। खत्म हो रहा है नहीं, खत्म हो चुका है कांग्रेस की आंखों में। और उन्होंने कहा शांत कराइए, शांत 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 कराइए, शांत कराइए, कहा कैम्ब्रिज चले जाते हो बार बार, शांत करा लीजिए अंजना जी। गलत बात प्लीज। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जो कर्नाटका हमारा है वो भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन जो कर्नाटका आप बात कर रहे हैं आपकी सोच इतनी जहरीली टपक रहा है उसमें नफरत का जहर, और आप कर्नाटका की संप्रभुता की बात कर रहे हैं। अरे सत्ता से इतना प्यार और कर्नाटका की बात आप करेंगे भारत को बांट के, ये चलेगा? कन्नडिगा ऐसा जवाब देगा, करारा थप्पड़ मारेगा कि दांत सारे टूट जाएंगे। वैसे तो 32 है नहीं, वो 32 के 32 जितने है वो भी निकल आएंगे। दूसरी बात सुनिए अंजना जी, मैं एक बड़ी बात सर, दांतों तक क्यों पहुंचना है? हाँ मैं बताता हूँ क्यों पहुंच गए। मेरे भारत के बारे में गलत शब्द कहेंगे, दांत तो बहुत छोटी चीज है, मैं तो हर जगह पहुंच जाऊंगा। भारत की संप्रभुता पता है क्या है? भारत शांत कराइए, शांत, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं गौरव जी, दांत तोड़ दूंगा, दांत टूट जाएंगे, अच्छा, अच्छा, सब ठीक नहीं लगता, वापस आइए सर। अच्छा वापस अच्छा, मैं राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता हूँ, अपने देश से प्यार करता हूँ, मेरे देश की संप्रभुता के बारे में गलत शब्द कहेंगे मैं बिल्कुल उठाऊंगा, अपनी पूरी ताकत से उठाऊंगा। अगर किसी को दर्द होता है तो दर्द हो, मैं अपनी पार्टी का रुख रखने आया हूं। मैं एक बात पूछता हूं, अभी चीन की बात कर रहे थे, ये शब्द किसने कहे थे अंजना जी कि भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई? करार करा है एमओयू, वो तस्वीर ये है आज तक बताया है, मतलब भारत का खाएंगे चीन की गाएंगे, सोनिया गांधी ये करेंगी। और मैं संविधान की बात करता हूं, अरे शांत शांत कराइए भाई प्लीज अंजना जी, ये तरीका देखिए आप वो बोलेंगे मैं पूरे उनके समय में बोलता रहूंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है आज कमजोर पिच पे है, उनका काम है केवल मुझे टोकना। मैं एक बड़ी बात उठाता हूं, आप संप्रभुता की बात कर रही है ना, संप्रभुता का मतलब है भारतीय अपने निर्णय खुद लेंगे, कोई विदेशी हस्तक्षेप भी नहीं हो सकता है। अब मैं पूछना चाहता हूं क्यों राहुल गांधी ने कहा था कि भारत का लोकतंत्र खत्म है और अमेरिका और यूके चुप बैठे हैं, यह भी संप्रभुता पर ही चोट थी, और चीन से रिश्वत लेना करार करना यह भी हमारी संप्रभुता पर ही चोट है। और आज कर्नाटका के चुनाव में कहां से यह बयान आया, क्या अभी तक यह ट्वीट डिलीट हुआ अंजना जी, क्या कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी है? नहीं। और इसकी वजह है 94 लाख जो इनके फॉलोअर्स हैं उनको संदेश ये है कि हमें सत्ता की कुर्सी चाहिए, क्षेत्रवाद से बांटेंगे, धर्म से बांटेंगे, जात से बांटेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी है तो बांटेगी तो जरूर, जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। इस प्रश्न पर हम लोगों ने इंटरव्यू में भी तीनों से सवाल किए, चाहे वो गृहमंत्री अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष या कर्नाटक कांग्रेस के
अध्यक्ष, उन तीनों ने क्या कहा है इस ट्वीट पर कांग्रेस पार्टी के, उस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन मुझे एक बार, इससे पहले कि मैं श्वेता यादव जी आपके पास आऊं, एक बार मैं संदीप शास्त्री जी के पास जाना चाहती हूं। संदीप शास्त्री जी, ये ट्वीट अभी भी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से मौजूद है जिसमें कर्नाटक के सॉवरेनिटी की बात है। क्या कन्नड़ आइडेंटिटी और उससे जो लगाव वहां के लोगों का है वो है, मौजूद है ग्राउंड पे, उसको एनकैश करने के लिए इस ट्वीट को डिलीट नहीं किया जा रहा है? क्योंकि खुद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ऐसा भाषण नहीं है, फिर भी ट्वीट डिलीट नहीं कर रहे। दूसरी तरफ कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं आपको लगता है जिसको, जो सबसे ज्यादा लोगों में वोटिंग के पहले इस वक्त चर्चा में है और जो असर डाल सकते हैं? संदीप जी, अंजना जी, एक है संदेश, दूसरा है संदर्भ। अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनके नेता ने यह बात स्पीच में कही नहीं, तो ट्विटर हैंडल से इसको निकालने में समस्या क्या है? आप इसको क्यों नहीं निकाल, आप प्रवक्ता ने भी अभी यही बात कही कि सोनिया गांधी ने यह बात कही ही नहीं। अगर इस बात में सत्य है तो इस ट्वीट को निकालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात अंजना जी, मैं कर्नाटका के होते हुए यह कहता हूं, अगर हम जब इस राज्य के बारे में बात करते हैं, अगर इस राज्य की एक कल्चर जो है, एक जो प्रैक्टिसेस जो हैं, यहां पे लोग सब हिंदी बात करते हैं, बट क्या हम कर्नाटक की जगह कर्नाटका कह सकते हैं? ये क्या हम थोड़ी सेंसिटिविटी राज्य की तरफ दिखा सकते हैं? ये मेरी मैं आपके पहले शो से ये बात कह रहा हूं कि कर्नाटका कहने में समस्या क्या है, कन्नड़ा कहने में समस्या क्या है, उसको कन्नड़ और कर्नाटक क्यों बन जाता है? वो क्या हम राज्य के लोगों की जो एक इमोशनल फीलिंग है उसको क्या पहचान सकते हैं? और अंजना जी, जैसे आपने कहा, लोगों के मुद्दे, वो बेरोजगारी हो, वो पॉवर्टी हो, वो कीमतों का बढ़ाव हो, इसके बारे में हमने क्या आज भी चर्चा सुना है? आज पूरे दिन के कैंपेन में कहीं, मैं किसी एक पार्टी की नहीं बात कर रहा हूं, आप कांग्रेस की कैंपेन, जेडीएस की कैंपेन, बीजेपी की कैंपेन देखिए, मैं सुबह से स्पीचेस सुन रहा हूं, लोगों की समस्याओं का चर्चा कहां हो रहा है? क्या हो रहा है अंजना जी, मेरी लास्ट पॉइंट, एक उत्साही हमला विरोधी पर और एक मजबूत उत्तर का प्रयत्न जिस पे विरोध किया हो, लोगों इसके बीच में तो पूरे पिस ही गए। मैडम, लोगों की बारे में कौन बात कर रहा है यहां पे? ये हमारी ऊपर की झगड़ा चल रही है, लोगों की बात है इसमें अंजना जी कहीं पे? कनेडिगा लोगों की बात कहीं पे है इसमें? जब हम कन्नड़ कहते हैं और कर्नाटक कहते हैं, क्या हम लोगों के मन की विचार को समझ सकते हैं यहाँ इस राज्य में? ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक। मैं एक जल्दी से, मुझे अभय जी से एक कमेंट ले लेने दीजिए, आप तो मुझ पर भी बरस पड़े थे सर, लेकिन संदीप जी भी पूछ रहे हैं, मैं भी कुछ कहना चाहता कि अगर नहीं बोला है सोनिया जी ने तो ट्वीट को डिलीट करने में क्या प्रॉब्लम है? अंजना जी, आज जब चुनाव नजदीक है कर्नाटका का, तो कर्नाटका के लोग कहते हैं कि उनके रोजगार के जो अवसर डिलीट कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने, अंजना जी वो मुद्दा उठाई है, जो महंगाई की आग में झोंक कर उनकी आजीविका को डिलीट कर दिया, उसका मुद्दा उठाई है। सवाल देखिए, अनबिलीवेबल है आपका एटीट्यूड। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, क्या कह रही है वो कि कर्नाटका डिस्करेज्ड यूथ,
जो 2016 में कांग्रेस की पार्टी की सरकार में 33.6% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन था, वो 13% पर घट गया। मतलब इतनी हताशा युवाओं में इन्होंने पैदा कर दी कि वहां रोजगार चाहने वालों की संख्या कम हो गई, पहला राज्य ये। अभय जी हम समझ गए, आपने ये साबित कर दिया आज कि कन्नड़ आइडेंटिटी को एनकैश करने के लिए आपने ये खतरनाक शब्द ट्विटर पर रहने दिए हैं, बनाम सोनिया गांधी, कोई और नहीं, सोनिया गांधी को मिसकोट कर रहा है आपका ट्विटर हैंडल, जबकि उन्होंने नहीं कहा है, फिर भी आपका हैंडल ट्विटर हैंडल मिसकोट कर रहा है ताकि आप एक इमोशन को एनकैश करें और एक खतरनाक खेल खेलें। सिंपल है, क्योंकि आपके पास कोई डिफेंस ही नहीं है इस पर। गौरव भाटे, आपको मैंने 3 बार मौका दिया, आपने अभय जी उस पर जवाब नहीं, धन्यवाद अभय दुबे जी। गौरव जी एक छोटा सा आपका रिस्पॉन्स, संदीप शास्त्री जी कह रहे हैं बिल्कुल भ्रष्टाचार, देखिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले से अर्ली ऑन एक जो उन्होंने बहुत अग्रेसिव कैंपेन किया भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया, 40% सीएम का मुद्दा हो जो भी हो, उन्होंने बहुत अग्रेसिव कैंपेन किया महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर। क्या आपको लगता है कि ये सब को झाड़ना मुश्किल होगा? ये टीवी डिबेट्स और सतही बातें होती रह जाएंगी, लेकिन जो जनता वोट करने जाएगी उसको वो अपने से जुड़ी हुई चीजें बड़ी लगेंगी। गौरव जी, अंजना जी, मैंने संदीप जी को सुना, मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। आपको पता है कि फील्ड मार्शल करप्पा ये भारतीय थे ना, फील्ड मार्शल करप्पा और साथ में जनरल थिमैया कर्नाटका की भूमि से थे, लेकिन भारत के लिए इन्होंने सब कुछ किया, लड़े ये तिरंगे के लिए। आज सवाल यही है कि आप भारत को, एक देश है मजबूती से उसकी अखंडता के लिए खड़े होंगे या उसको बांटने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपको सत्ता की कुर्सी चाहिए। और शर्म आती है मुझे, शर्म आती है कांग्रेस पार्टी पे, चुनाव आते जाते रहेंगे, भाजपा जीत जाएगी ये भी पक्का है, लेकिन आप कुर्सी तक पहुंचने के लिए इस तरह के बयान देते हैं अपनी शपथ को भूल के। सोनिया गांधी जी बहुत गलत किया आपने, और मैं इतना ही कहूंगा ये ट्वीट तुरंत डिलीट होना चाहिए और माफी देश से मांगनी चाहिए। दूसरी बात, देखिए झूठ कैसे बोला जाता है, इन्होंने बात करी, मैं अब आपको कुछ मुद्दों की बात बताता हूं। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी सब कर्नाटका में थे। आईटी पहला कब आया? मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने। 12.5 करोड़ टीके लगे कोविड के समय में कनाडिका भाई बहन को मिले, ये मुद्दा उठाया हमने। 4 करोड़ ऐसे कनाडिका है जिनको 2 साल राशन दिया। नौकरी की बात कर रहे हैं, मेरे हाथ में सीएमआई का डेटा है, आपको मालूम है कर्नाटका में जो बेरोजगारी दर है 2.3 है और राजस्थान में ये 26.4 है, ये अप्रैल 2023 का ही डेटा है। झूठ बोल दिया आपके चैनल पे। और सबसे बड़ी बात, आपने भ्रष्टाचार की करी, डीके शिव कुमार के घर से लाखों करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार का पकड़ा जाता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा तीनों बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे। अरे भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस पार्टी, भ्रष्टाचार का पर्याय है, ये क्या मुद्दा चिपकाएंगे? कर्नाटका कह रहे हैं सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। और आप हमसे सवाल कर रहे हैं, आज भारत की अस्मिता की बात है। ठीक है, ठीक है। अबे जी छोटा सा, अंजना जी, 6 करोड़ रुपए विधायक के घर से निकले, लोगों ने देखा साफ, प्रधानमंत्री जी ने क्या कार्रवाई की, मुझे बताइए ना। अरे आप डिंगलेश्वर महाराज, लिंगायत समाज के सबसे बड़े संत, गौरव जी वो डिंगलेश्वर महाराज टेलीविजन पर आए, लिंगायत समाज के संत आए टेलीविजन पर, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी हमारे अनुदान, मठ के अनुदान, 3,000 मठों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो 30% कमीशन खाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी, मठ मंदिरों से, स्कूलों से, ठेकेदारों से, गरीब बच्चों के प्रवेश तक में वहां पर 40% का भ्रष्टाचार। श्वेता यादव जी, आपको हस्तक्षेप। श्वेता यादव जी, प्रवक्ता कर्नाटक जेडीएस की हमारे साथ हैं और उसके बाद मैं आपके पास भी आ रही हूँ। श्वेता, अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो अग्रेसिव होकर कांग्रेस ने कैंपेनिंग किया, जेडीएस क्या स्थिति, मतलब क्या आपने टारगेट ही बहुत कम रखा है, क्या सोचा हुआ है, क्या सोच के चुनाव में जा रहे हैं? अब तो परसों वोटिंग है, जनता जानिए दोनों नेशनल पार्टी की जो हरकतें हमको देखने को मिल रही है पिछले 1 महीने से। हाँ। ये कर्नाटका का दौर्भाग्य है, ऐसे लोग, ऐसे नेता हमको, हमारे पास वोट मांगने आ रहे हैं,
ये जनता देख रही है, जो हमारी रीजनैलिटी, जो हमारा तो प्रादेशिक पक्ष है, तो इन पर अटैक होना और कन्नड़िगा को अटैक करना और यहाँ हमारी कर्नाटका का बाउंड्री को अटैक करना, किसने अटैक? देखिए ये तो बहुत, देखिए मैडम अभी जो सोनिया जी का जो स्टेटमेंट है वो तो ऐसे सीधा निशाना है, तो बोलेंगे वो कांग्रेस वाले क्या बोलेंगे, हमने कुछ नहीं बोला। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्टेटमेंट क्या हुआ, वो वैसे ही हुआ ना। तो ये बीजेपी और कांग्रेस का यही एजेंडा है, विकास के मुद्दे पे उनको चर्चा नहीं करनी, विकास के आधार पर, अभिवृद्धि के आधार पर उनको वोट, उनको वोट मांगना नहीं आता है। यहाँ पे कर्नाटका में आना है उनको, बस डोसा बनाना है और यहाँ पे अपना दुगड़ा सुनाना है, चार बार यहाँ वहाँ वेव करके जाना है। इससे कोई, इससे सर प्लीज लेट मी कंप्लीट, इससे आपको जनता वोट देगी? ये आप ये मान के जा रहे हैं, पिछले एक साल से हमारा जो सीएम है कुमार स्वामी जी, जो एक सीएम है, तो वो जनता के पास है, तो जनता मान चुकी है हमारे जेडीएस पार्टी की जो है वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप नेशनल पार्टी से तो इतने, आप बीजेपी वाले बोलते, हमने तो अभी तो सर बोल रहे थे एम्प्लॉयमेंट का पूरा ऐसे चिट्ठा दिखा रहे थे, तो कहाँ है सर एम्प्लॉयमेंट, कहाँ पे हुआ है, कौन से स्टेट में दिया है आपने एम्प्लॉयमेंट का? तो अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज यहाँ पे कर्नाटका में आपको पता है, पॉवर्टी का पता है। आप अभी कांग्रेस पे आप आरोप लगा रहे थे आप भ्रष्टाचारी है, तो आपके पार्टी में कितने गुंडे हैं, कितने गुंडे हैं, कितने क्या है, कितने, अरे सर प्लीज आप सुनिए मेरी बात, आपके पार्टी में कितने गुंडे हैं, राहुल का नाम मैं बता सकती हूँ। आप देखिए आपकी पार्टी में जो भी कांग्रेस से और हमारे पार्टी से आई है, तो कितने लोग है, विरूपाक्षप्पा माडाल का केस क्या हुआ सर, पीएसआई का हगरण जो क्या हुआ सर, उसका बताइए। आप डीके शिव कुमार का बोल रहे थे ना, कांग्रेस में भी भ्रष्टाचारी लोग भरे पड़े हैं, तो आप कौन से कम है, आप में भी है। और तो आप, आप, आपकी तो पार्टी की एंट्री ही आदिल हसन साहब इसलिए हुई है कि पोलराइजेशन हो जाए। नहीं 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 मैडम, ये गलत बात है, मैं आदिल हसन से पूछ रही हूँ, आपसे नहीं पूछ रही मैडम, आपसे सिर्फ तीन सीट, मैम सिर्फ तीन सीट पे लड़ रहे हैं, एक सीट पे इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दलित समुदाय से एक आदमी है, एक मुस्लिम कम्युनिटी से एक आदमी है, सिर्फ तीन सीट पे हम लड़ रहे हैं। और इसलिए चाह रहे हैं, जब हुबली में दरगाह पर मस्जिद पर जब हुड़दंग हुआ था तो ना कांग्रेस ने बोला था, बीजेपी ने शह दिया था, उन पर यूएपीए लगा दिया था, इसलिए हम वहां जा रहे हैं ताकि वो असेंबली खाली नहीं रहे जिस तरीके से, क्योंकि जब होगा हमला तो बोलेंगे ना मैडम, जब दर्द होगा तो बोलेंगे ना, जब कांग्रेस मुंह में दही जमाई रहेगी, जब भाजपा के लाइन पर रहेगी तो क्या करेंगे? कोई मंदिर बनाना चाहता है, हम बोलते हैं स्कूल भी बना दो मुस्लिम एरिया में, सिर्फ थाना मत खोलवाओ, हॉस्पिटल भी खोल दो, मुसलमानों को भी रोजगार दे दो। अगर ये बोलना कोई गुनाह है क्या मैडम? आप ही बतलाइए, इंपेरिकल डाटा से हम बतला रहे हैं कि माइनॉरिटी इलाके में थाना ज्यादा है, स्कूल कम है, हॉस्पिटल कम है, ये तो एक देश की सच्चाई है ना मैडम। सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, महमूदुर रहमान रिपोर्ट आपके सामने है, देश के सामने है, भारत सरकार का डाटा है। आप ही बताइए कि कोई डीके शिव कुमार बोलते हैं मैं ये कर दूंगा, अब प्रधानमंत्री केरला की फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बॉलीवुड चले जाते हैं? आज मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको बोला है कि बॉलीवुड भी आप जा सकते हैं और फिल्म का प्रमोट भी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री में दोनों गुण है, वो भी कर ले अच्छा रहेगा। एक प्रोपागेंडा की फिल्म को प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे हैं, अच्छा लगता है देश के प्रधानमंत्री को यह सब पढ़ना? आप खुद निर्णय ले लीजिए। सिर्फ दो लाइन का जवाब, रोजगार क्या होगा कि बीजेपी केरल स्टोरी की पब्लिसिटी चुनाव के एंड पहले क्यों कर रही है? देखिए अंजना जी, ऐसा है, मैंने जेडीएस की प्रवक्ता को सुना, आपको याद दिलाता हूं, इनकी याददाश्त तो पता नहीं है कि नहीं, कुमार स्वामी रोए थे, मुझे ब्लैकमेल करती है कांग्रेस पार्टी, मुझे बहुत ब्लैकमेल करती है, ऐसे रुमाल है भैया पोछो आंसू। अरे भैया ये वही है जेडीएस, गायब क्यों होते कांग्रेस के साथ, और इनका कुछ होने नहीं वाला क्योंकि 148 महिला प्रवक्ता पे कैसा बोल रहा है? टाइम खत्म हो गया गौरव जी, केरल स्टोरी पे एक रिस्पांस, ठीक है आपने अपना पॉइंट कह दिया, केरल स्टोरी पे एक रिस्पांस, हां बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। हां बिल्कुल, देखिए अगर कहीं कोई सांप्रदायिक राजनीति करता है और उसको हमें उजागर कराना है तो ये मुद्दा हर भारतीय के लिए अति आवश्यक है और हम इसे उठाते और डंके की चोट पे उठाते रहेंगे। सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए जो लव जिहाद को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, और उसके बाद कोई उनसे सवाल नहीं पूछता, बजरंगबली लोगों पर असर दिखाता है या फिर जो 40% पे सीएम का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया, या फिर जेडीएस
कुछ कर पाती है, किंग मेकर की भूमिका में आ पाती है। अब तो इंतजार बहुत कम है, परसों वोटिंग होगी और 13 को गिनती देख रहे हैं।